नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है ढाकर जानकारी चैनल पर आने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हमने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है उसका पैसा आपके खाते में कब तक आ सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछली बार मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फॉर्म जिस जिसने भी अप्लाई किया था तो दोस्तों उनके खाते में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने वेरीफाई किया उनके खातों को और उनके खातों में पैसा डाला था, यह पैसा हमारे भी अकाउंट में आया था। इसीलिए दोस्तों हम आपको आज वीडियो में लाइव दिखाएंगे कि किस डेट से लेकर किस डेट तक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पैसा आया था और अब आगे आने वाले टाइम में कब तक यह अमाउंट हमारे खाते में क्रेडिट हो सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर चेकआउट करवा देता हूं कि 27/8/2020 को 2845 रुपया आप देख रहे हैं, यहां पर क्रेडिट ऊपर जमा की गई राशि दिखाया हुआ है। दोस्तों ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखेंगे कि दो बार हमने प्रिंट आउट करवाया था तो 2845 27/8/2020 को। अब ले चलते हैं दोस्तों आपको poorprayag.gov हरियाणा की वेबसाइट पर, यहां पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। अब चेक पेमेंट स्टेटस पर क्लिक किया तो 2845 रुपया यहां पर पेमेंट सेक्शन दिखा रहा है MMPSY मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जून महीने में हमारे अमाउंट कटेगा 330 रुपया और 12 रुपये वाला जो बीमा होता है वह कटेगा। उसके बाद सातवें महीने में हमारे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे आ सकते हैं जैसा कि पिछली बार हुआ था। दोस्तों 15/7/2020 से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने पैसे को पाना शुरू किया था और आठवें महीने तक इसका अमाउंट चलता रहा, किसी की पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था, किसी का पेमेंट सेक्शन दिखा रहा था, किसी का कुछ एरर वगैरह सब दिखा रहा था। इसी प्रकार दोस्तों अब 2022 में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का पैसा पाएगी, पहले हमारे 330 और 12 रुपये वाला बीमा कटेगा, उसके बाद ही अमाउंट आएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा हो हरियाणा से रिलेटेड हो हर एक वीडियो हर एक अपडेट समय समय पर हम अपने चैनल पर प्रसारित करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एक नई मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए।